प्रिय विद्यार्थियों, बगड़ियाबाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 वसंत का अध्याय 10 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि कवियत्री ने बताया कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत के विभिन्न जो क्षेत्र है उन पर अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली, लखनऊ, उदयपुर इत्यादि कर्नाटक जो राज्य थे उन पर अपना अधिकार कर लिया। उसके आगे कवित्री क्या बता रही है वो आज हम पढ़ेंगे। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के ले लो नौलखार। यूं पर्दे की इज्जत पर किसी के हाथ बिकती थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कवित्री कह रही है कि जिन जिन राज्यों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया वहां के राजमहलों के निवास करने वाली अपने रनिवासों में विलाप करती थी। जो रानी उन राजमहलों में निवास करती थी वह अपने रनिवासों में विलाप करती थी, रोती रहती थी। नवाबों की बेगम भी दुख से पीड़ित थी, बेगम गम थी बेजार, यानी नवाबों की बेगम भी दुख से पीड़ित थी। गुलाम रानियों और बेगमों के गहने जवाहरात और कीमती कपड़ों को कलकत्ते के बाजार में नीलाम के द्वारा बेचा जाता था। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, जिन राजाओं के राज्यों पर अधिकार कर लिया उनके रानियों के कपड़े गहने कलकत्ते के बाजार में बेचे जाते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और बाजार में होने वाली इन नीलामियों की खबरें जो अंग्रेजी समाचार थे वो सरेआम छापते थे। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नो लखार, और ये छापते थे, इस प्रकार छापते थे कि आप नागपुर के जेवर और लखनऊ के नो लखे हार बोलिए लगाकर खुले बाजार में आसानी से बेचे जाते थे, आप इन लोगों को खरीद सकते थे। यो पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, और इस तरह से भारतीय नारियों का मान सम्मान खुलेआम विदेशियों के द्वारा बाजार में बेचा जा रहा था। झांसी की रानी के युद्ध का वर्णन और ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये हमने वहाँ के लोक नायकों के मुंह से सुनी थी। इसके आगे का भाग हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे।